नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड की प्रवेश परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। और ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए है। एंड क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ऐड निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए खजुराहो मंदिर किस पंथ के शासकों ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है, खजुराहो मंदिर किस पंथ के शासकों ने बनवाए थे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चोल वंश के शासकों ने, चंदेल वंश के शासकों ने, पांड वंश के शासकों ने, या फिर ननौपदी, जिनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। अगर पूछा जाए खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अभी आपको बताना है किसने बनवाए थे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चंदेल वंश के शासकों ने। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए। बताइए पोंग बांध किस नदी पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, पोंग बांध किस नदी पर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्यास नदी पर। क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पोंग बांध ब्यास नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, पोंग बांध ब्यास नदी पर कहाँ पर है। अगर राज्य पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। रंगाली बिहू मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, रंगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, रंगाली बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। असम भारत का एक राज्य है, राजधानी दिसपुर है। पूछा जाता है परीक्षा में असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अगर पूछा जाए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा असमिया। क्या असमिया असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए तलाजा गुफाएं किस राज्य में है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, क्या पूछा गया है, तलाजा गुफाएं कहाँ पर है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर गुजरात में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात, या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, तलाजा गुफाएं गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, गुजरात करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में तलाजा गुफाएं डी करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। बताइए पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी, ये आपको बताना है। जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना थी इसके आपको समय अवधि बतानी है क्या थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, गुड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 2012 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी, बारहवीं पंचवर्षीय योजना। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2017 में शुरू हुई थी, 2012 में शुरू हुई थी, 2017 तक चली थी। यस सीमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। सभी जल्दी से बताइएगा बारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। गुड,
पूछ सकते हैं क्योंकि ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आप लोग याद रखिएगा, अगर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो आप लोग याद रखिए, तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सभी इसका आंसर करिएगा, मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उज्जैन में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पूछा जाता है। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उज्जैन छिप्रा या सिप्रा नदी किनारे बसा है। किस नदी किनारे बसा है? छिप्रा या सिप्रा नदी किनारे बसा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में है। उज्जैन का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है एनसीएन ने, तो आप लोग याद रखिएगा, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स, तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भगत सिंह। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, बताइए बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की राजधानी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुलबर्गा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, बताइए इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिपुरा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, त्रिपुरा भारत का एक राज्य है। क्या है? भारत का एक राज्य है। राजधानी अगरतला है। बाकी आप लोग याद रखिए, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, यह सभी केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? गुड, इसका आंसर क्या होगा? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकित्सा से। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए भारतीय नाट संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, क्या पूछा गया है? भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर पुणे? इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली में। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारतीय नाट संस्थान नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दही का खट्टापन निम्न में से किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, दही का जो खट्टापन होता है किसकी वजह से होता है? सिट्रिक एसिड की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से, एस्टिक एसिड की वजह से, या फिर नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लैक्टिक एसिड की वजह से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दही का खट्टापन लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आपको आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में।
भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको बतानी है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या फिर उड़िया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तेलुगु। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए फिनिक्स बस्ती की स्थापना इनमें से किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महात्मा गांधी ने। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिनिक्स बस्ती की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कंस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सभी जल्दी से बताइएगा कंस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंस मेले का आयोजन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। इक्टियोलॉजी इनमें से किससे संबंधित अध्ययन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्टियोलॉजी निम्न में से किससे संबंधित अध्ययन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मछलियों का अध्ययन। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इक्टियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब तो याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। मानसून क्या है? मानसून किस प्रकार की पवन है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए मानसून किस प्रकार की पवन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋतु परक पवन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानसून ऋतु परक पवन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से बताइए यूरो कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? सभी इसका आंसर करिएगा, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए असम के अहोम सम्राट और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1671 में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा 1671 में असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे नोट डाउन कर सकते हो, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात में। क्या करेक्ट आंसर होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया है, 24 कैरेट का होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? आपको शासक का नाम बताना है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीबिया। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, बताइए कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कीटनाशक डीटीटी का आविष्कार किसने किया था? बी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर पॉल मुलर। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डॉक्टर पॉल मुलर ने डीटीटी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 के लिए आंसर करिए, बताइए केल्विन क्या मापने की इकाई है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए केल्विन क्या मापने की इकाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेम्परेचर। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, केल्विन टेम्परेचर मापने की इकाई है, तापमान मापने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे सम्राट, वेरी गुड। माही, बिट्टो, जानवी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। सीमा, कोमल, शिवकुमारी, पासवान गर्ल, अवनीश, जरीना, मिष्टी, रामकुमारी, इन सभी ने राइट आंसर दिए। रिंकू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मिस्टी, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बास्केटबॉल। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, फ्री थ्रो शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्री हिट शब्द अलग है, फ्री हिट शब्द होता है क्रिकेट से संबंधित, यहाँ पर पूछा गया था फ्री थ्रो शब्द के खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बास्केटबॉल। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बताइए कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सब इसका आंसर करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेटेन करेक्ट आंसर नहीं होगा, वेटेन करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कानून के समान संरक्षण जो वाक्य है ये अमेरिका लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यूएसए करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, बताइए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी?
सब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1988 में। यह तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 1988 में भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विटामिन डी की कमी से। क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, बताइए इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा प्रवर का भाग नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, क्या चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कोंकणी। क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कोंकणी द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नहीं है पूछा गया है, मलयालम है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जो कोंकणी आप लोग याद रखिएगा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, पूछा जाता है गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा कोंकणी। बाकी तमिल तेलुगु मलयालम ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार का भाग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आठ तेलुगु कवि, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज आठ तेलुगु कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं। डी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को, कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और यहाँ पर पूछा गया था सूती वस्त्रों की राजधानी भारत में किसे कहा जाता है, तो मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला, या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। क्या पूछा गया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई में। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, पंजशीर घाटी कहाँ पर है, किस देश में। सब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, पंजशीर घाटी कहाँ पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान में। क्या करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अफगानिस्तान करेक्ट आंसर होगा। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, सबसे कम बॉर्डर शेयर अफगानिस्तान भारत के साथ करता है। अगर पूछा जाए भारत किस देश के साथ सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, तो आप लोग याद रखिएगा अफगानिस्तान के साथ। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, राजधानी काबुल है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और अफगानिस्तान की जो संसद है इसे सोरा कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखिए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, बताइए जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर है। बी करेक्ट आंसर होगा, मुंबई में। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए मौना लोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए, या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यूएसए में मौना लोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका।
यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय प्राण वायु है, ये किसने कहा था? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसका कथन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष ने। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अरविंद घोष ने कहा था राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ आपको बताना है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ पर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्र में। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए कार्बोलिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्या पूछा गया है? कार्बोलिक एसिड के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिनॉल को। क्या करेक्ट आंसर होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी जल्दी से बताइएगा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्राह्मी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है आपको बताना है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये तीनों शब्द शामिल हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ऑल, सभी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। ये भी पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 69वां संविधान संशोधन। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके बाद दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। गुड इवनिंग सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है आपको बताना है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा पशु मेला कहां आयोजित होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोनपुर बिहार में। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए पंचमहल कहां पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिएगा। यस पुष्कर में भी लगता है, राजस्थान के पुष्कर में भी पशु मेला लगता है, लेकिन यहां पर पूछा गया है सबसे बड़ा, क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार के सोनपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फतेहपुर सीकरी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, आगरा के पास। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। किडनी स्टोन मुख्य रूप से किससे बनी होती है? गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है गुर्दे की पथरी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड इवनिंग, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? बी करेक्ट आंसर होगा, एथिल मरकैप्टन। एलपीजी में गंध के लिए एथिल मरकैप्टन। नंबर 52 के लिए आंसर करिएगा, कौन डिसीजन लेता है, कौन निर्णय लेता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? सभी इसका आंसर करिएगा, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 110।
धन विधेयक से संबंधित है और ये लोकसभा में पेश किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है किस सदन में इसे प्रस्तुत किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा जाता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर डिसीजन लेते हैं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आपका नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, बताइए लाख बख्श का किताब किसे दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का किताब दिया गया था। तो आप इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए, आपको बताना है सबसे अधिक भारत में कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है। अगर पूछा जाए विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ब्राजील में। भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन भी पूछा जाता है असम में होता है। विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चाइना में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। 55 के लिए आंसर करिए बोनमिला दर्रा कहाँ पर है। बोनमिला दर्रा आपको बताना है कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में बोनमिला दर्रा है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, बताइए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11 जुलाई को। दिवस से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्क्रिप्ट में क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 57 के लिए आंसर करिए, बताइए नंदी पहाड़ियां कहाँ पर है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, बताइए काकीनाडा पोर्ट कहाँ पर है, काकीनाडा बंदरगाह कहाँ पर है। गुड इवनिंग, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा पोर्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए, बताइए इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डायमंड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बादामी गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। अगर पूछा जाए वर्तमान में बादामी गुफा मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में। वर्तमान में कर्नाटक में बादामी गुफा मंदिर है, बनवाए किसने थे, किसने बनवाया था, मंगलेशा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है मंगलेशा, करेक्ट आंसर होगा इसका। पुलकेशिन करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, मंगलेशा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल जीके जीएस का सेशन होता है, तो सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। यस सचिन, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे जीके जीएस की, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर